नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास विषय पर, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है प्रेम विवाह या लव मैरिज, कि आपके हाथों की रेखाओं में, आपके हस्त रेखाओं में, आपके किस्मत में किसी का प्यार है या नहीं है, और अगर किसी का प्यार है तो क्या उससे आपकी शादी हो पाएगी या नहीं, ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। ऐसी कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके थ्रू किसी को प्यार मिलता है, किसी को प्यार नहीं मिलता है, किसको धोखा मिलता है और किसको सच्चा प्यार मिलता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही मैं आपको लास्ट में एक उपाय भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपने प्यार को पा सकते हो। अगर आप भी सब चीज़ जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ खास बात बता देता हूँ जो ज़रूरी है एक प्यार करने वाले इंसान के अंदर, या जिसको प्यार होता है उसके अंदर क्या ज़रूरी है। सबसे पहला तो है चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा मजबूत है तभी आपको किसी का सच्चा प्यार मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है कि अगर आपका चंद्रमा मजबूत है तो ऐसे लोग अटेंशन ज़्यादा चाहते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसको चाहिए कि सामने वाला जिससे वो प्यार करता है वो उसके ऊपर अटेंशन दे, यानी कि सारा काम छोड़कर उसी के साथ रहे या उसी की बात करे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम छोटी सी रहती है। अगर चंद्रमा मजबूत नहीं है तो ऐसे लोगों को प्यार नहीं मिलता है, और मिलता है तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए प्यार मिलता है, कुछ दिन रहेगा, फिर उसके बीच में कुछ हो जाएगा नाटक, वो दूर दूर हो जाएंगे। यानी कि प्यार तो मिलता है लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। तो चंद्रमा का मजबूत होना इस कंडीशन में बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि चंद्रमा के साथ अगर मंगल और बुध नहीं है, यानी कि किसी प्रकार से चंद्रमा को अगर मंगल और बुध सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को प्यार नहीं मिल पाता है। कारण ये होता है कि जब मंगल अगर मजबूत नहीं है, क्योंकि मंगल देता है इंसान को साहस, और जब इंसान के पास साहस ही नहीं होगा तो वो अपने प्यार का इजहार कैसे कर पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा, वो डरेगा हर चीज़ से, इसलिए वो कभी सामने वाले से प्यार का इजहार ही नहीं कर पाएगा। इसलिए मंगल का मजबूत होना और चंद्रमा के साथ में होना ज़रूरी है, साथ में इन द सेंस चंद्रमा के सपोर्ट में होना ज़रूरी है। साथ ही बुध का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बुध ही नहीं लगाओगे, आप किस प्रकार से किसी चीज़ों को समझेंगे, किस प्रकार से सामने वाले से बात करेंगे, ये अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो भी बात बिगड़ जाएगी। इसलिए चंद्रमा के साथ या चंद्रमा के सपोर्ट में मंगल और बुध का होना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे लोग शंकालु जरूर होते हैं, बात बात पर शक करते हैं, जो अपना पार्टनर होता है उसके ऊपर वो शक करते हैं। इस वजह से क्या होता है, उनके जो पार्टनर होते हैं, उनके जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, वो चिढ़ जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इसके साथ रहना से घुटन सी महसूस होती है और वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ये जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी। अब मैं आपको हस्त रेखा के थ्रू बताता हूँ कि कौन कौन सी वो रेखाएँ हैं जो आपके प्यार को शादी में परिवर्तित करती है या जिसको प्यार होता है। पहला रूल बताता हूँ इसका, जो ये चंद्र पर्वत है, ये पूरा इस पूरे एरिया को हम चंद्र पर्वत बोलते हैं, यानी कि ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे सामने, इसको हम चंद्र पर्वत बोलते हैं। इस चंद्र पर्वत से कोई रेखा अगर जीवन रेखा, ये यहाँ देखो, ये रेखा को जीवन रेखा बोलते हैं, यहाँ से ये जो आपको इस प्रकार की कर्व जो रेखा दिख रही है वो कौन सी रेखा, जीवन रेखा। अगर इस चंद्र पर्वत से कोई रेखा जीवन रेखा को टच करती है, जीवन रेखा की तरफ जाती है, तो इसका मतलब ऐसे लोगों को जीवन में प्यार मिलेगा। ध्यान रखिए, चंद्र पर्वत से कोई रेखा कहाँ जानी चाहिए, जीवन रेखा की तरफ जानी चाहिए, जीवन रेखा को टच करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल ये है कि ये जो चंद्र पर्वत है, इस चंद्र पर्वत से कुछ रेखाएं शुक्र पर्वत पर जाए, ये शुक्र पर्वत है पूरा, ये जो एरिया कहलाता है, ये वाला, ये पूरा एरिया शुक्र पर्वत का कहलाता है। तो अगर ये चंद्र पर्वत से कुछ रेखाएं कहीं से भी जा सकती है, वो आड़ी टेढ़ी कुछ भी, लेकिन कहाँ जाना चाहिए, इस शुक्र पर्वत के ऊपर कोई अगर रेखा जाती है तो ऐसे लोगों को कई बार प्रेम मिलता है, कई लोगों से प्रेम मिलता है। यानी बार बार ऐसे लोग किसी से प्रेम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरे से प्रेम करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। यानी बार बार प्रेम करते हैं लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती, एक से उनको संतुष्टि नहीं मिलती, बार बार वो ऐसा करते हैं अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा शुक्र पर्वत पर जा रही होती तो, क्योंकि ऐसे लोगों में समर्पण का भाव नहीं रहता और इसलिए वो बार बार चेंज करते हैं, और इस कारण से उनका जो चरित्र है, उनका जो
और इस कारण से उनका जो, तो इस कारण से उनका जो कैरेक्टर है वो दागदार हो जाता है, यानी उनका चरित्र जो है वो दागदार हो जाता है, उनको खराब इंसान माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल आपको बताता हूं। अगर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा देखिए, अगला रूल है, अगर हृदय रेखा, ये देखिए यहाँ पे हृदय रेखा, ये जो आपको इस प्रकार का जो दिख रहा है वो हृदय रेखा है, और ये जो है वो मस्तिष्क रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, मस्तिष्क रेखा है। तो अगर हृदय रेखा से कोई रेखा मस्तिष्क रेखा को काटे, यानी इस प्रकार से काटे या इस प्रकार से काटे या इस प्रकार से काटे, कहीं से भी, तो अगर हृदय रेखा से कोई रेखा चले और वो मस्तिष्क रेखा को काटे, और साथ ही वो रेखा कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। अगर कोई रेखा मोटी मोटी होके और अगर वो हृदय रेखा से चलकर मस्तिष्क रेखा को काट रही है, मस्तिष्क रेखा को काट रही है, और साथ ही दूसरा जो नियम, और इसके साथ साथ एक बात और होना जरूरी है, एक बात, दूसरी बात यह है कि जीवन रे... और इसके साथ साथ ये जो जीवन रेखा है, ये देखिए इसको जीवन रेखा बोलते हैं हम, इस जीवन रेखा से कुछ रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हो, इस टाइप से, ऐसी ऐसी कहीं से भी जा सकती है, ऐसा नहीं कि मैंने जो डिजाइन बनाई उसी तरह से है, किसी भी तरफ से ये रेखाएं नीचे की तरफ अगर कहीं जा रही हो, और साथ में जो आपका ये वाली रेखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, हृदय रेखा, हृदय रेखा से कोई रेखा चलकर अगर इस मस्तिष्क रेखा को काट रही हो और वो साथ में वो रेखा जो काट रही होती है वो मोटी भी हो, तो ऐसे लोगों को सच्चा प्रेम मिलने का, ऐसे लोगों को सच्चा प्रेम तो मिलता है लेकिन उनका विवाह नहीं होता, विवाह मतलब प्रेम विवाह नहीं होता उस इंसान से जिससे वो प्यार करते हैं, उसके साथ उसका विवाह नहीं होता, यानी इस प्रकार की कंडीशन है, तो उसको प्यार तो मिलेगा, लोगों का सच्चा प्यार भी मिलेगा, लेकिन वो प्यार जो है उसका शादी में परिवर्तित नहीं होगा, उनके प्रेम विवाह उनका नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट रूल जो बताता हूँ आपको, नेक्स्ट रूल ये जो शुक्र पर्वत है, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये शुक्र पर्वत है पूरा, इस शुक्र पर्वत पर कहीं पर कोई तिल हो, काला या लाल कैसा भी तिल हो, लेकिन काला तिल की ज़रूरी है, अगर कहीं पर काला तिल हो तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को कभी भी, तो ऐसे लोगों को कभी भी जिससे वो प्यार करते हैं उससे शादी कभी नहीं होगी, अगर उनके शुक्र पर्वत पर, जो मैंने अभी यहाँ शुक्र पर्वत बताया है, इस शुक्र पर्वत पर कहीं पर भी अगर तिल है तो ऐसे लोगों का प्रेम विवाह नहीं होता, यानी प्रेम तो होता है लोगों के साथ लेकिन उसका प्रेम विवाह नहीं होता। दूसरी बात, अगर ये जो शुक्र पर्वत है ये सपाट है, यानी उठा हुआ नहीं, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये मेरा हाथ है, ये जो पर्वत दिख रहा है, अगर ये दबा हुआ पूरा सपाट है, पूरा दबा हुआ है, तो ऐसे लोगों को कभी प्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको कभी प्यार मिलने वाला है नहीं। इसलिए ध्यान रखें कि ऐसे लोगों को जिनका शुक्र पर्वत पूरी तरह से सपाट है, ऐसे लोगों को प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक बहुत काम की चीज़ बताता हूँ, अगर किसी व्यक्ति का जो शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत क्या है, उठा हुआ है, ये जो शुक्र पर्वत, फिर से देख लीजिए, ये जो शुक्र पर्वत है ये उठा हुआ है, मोटा मोटा है, इसके ऊपर किसी प्रकार की जो आड़ी टेढ़ी रेखाएं, जैसे इस तरह की आड़ी टेढ़ी रेखाएं होती है ना, ये ऐसे कट कट पिट वाले बहुत सारी रेखाएं बनी रहती है, बहुत सारे लोगों को बनी रहती है, तो अगर ये बहुत सारी आड़ी टेढ़ी रेखाएं नहीं है, साथ में शुक्र पर्वत उसका उठा हुआ भी है
और उसका जो अंगूठा है, ये जो अंगूठा है का डिज़ाइन है, ये थोड़ी कर्व होनी चाहिए, टेढ़ी होनी चाहिए, जैसे इस तरह से ये झुका हुआ, इस तरह से जो कर्व बना रहा है ना, इस प्रकार का कर्व है। साथ में उसका जो ये पर्वत है ये भी उठा हुआ है, मोटा मोटा है, इसके ऊपर किसी प्रकार की आड़ी टेढ़ी रेखाएं, कटी पिटी रेखाएं नहीं हैं। तो ऐसे लोगों की बहुत सी गर्लफ्रेंड होती है और ऐसी लड़कियों के बहुत सारे बॉयफ्रेंड होते हैं। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, अगर इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ में हैं तो ज़रूर इस प्रकार की कंडीशन होगी आपके साथ। इसी के साथ दूसरी कंडीशन बता देता हूँ, अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पास नहीं है तो ये जो आपका अंगूठा है वो लचीला होना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। कड़क अगर अंगूठा नहीं है, लचीला अंगूठा है, तो भी समझिए कि आपकी गर्लफ्रेंड होगी या आपका बॉयफ्रेंड भी बहुत सारे होंगे। मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन आपके पास नहीं है तो एक दूसरा कॉम्बिनेशन बताता हूँ। मान लीजिए आपका ये जो शुक्र पर्वत है, इस शुक्र पर्वत से कुछ रेखाएं जा रही है कहाँ पर, चंद्र पर्वत के ऊपर। कुछ रेखाएं चंद्र पर्वत पे जा रही है, एक जा रही है, दो जा रही है, लेकिन कुछ रेखाएं चंद्र पर्वत पे जा रही है। साथ ही आपका जो अंगूठा है, ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे का जो इसमें बहुत लचीलापन है, यानी बहुत सॉफ्ट है, बहुत लचीला है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पास है, यानी अंगूठा लचीला होना चाहिए, साथ में शुक्र पर्वत से कुछ रेखाएं कहाँ जाने चाहिए, चंद्र पर्वत के ऊपर जाने चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन भी है तो भी आपकी कंडीशन बनेगी कि जो बॉय है उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी और जो गर्ल है उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को जानते हैं। चलिए अब बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ। ये आपका शुक्र पर्वत है, ये आपका शुक्र पर्वत है, इससे कोई रेखा चले और वो इस जीवन रेखा से मिले कहीं जाकर। ये जीवन रेखा है, इससे ये जीवन रेखा आपने देखा होगा, इस पर ये वाली रेखा को हम जीवन रेखा बोलते हैं। ठीक है, इस जीवन रेखा से जाकर अगर ये कोई रेखा मिल रही, शुक्र पर्वत से चल रही है और जीवन रेखा पर मिल रही, साथ ही ध्यान रखें वो जो रेखा जो मिल रही है वो बिल्कुल मोटी रेखा होनी चाहिए और उस रेखा पर कहीं कट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जिसको निर्दोष रेखा बोलते हैं, किसी प्रकार का उसके ऊपर कट नहीं हो। और वो जाके अगर हृदय रेखा से, अगर वो जीवन रेखा से मिलती है, कहाँ से चलकर, शुक्र पर्वत, ये आपका जो एरिया है शुक्र पर्वत का, इस शुक्र पर्वत से जो रेखा चल के कहाँ जाएगी, अगर जीवन रेखा पर टच करती कहीं पर भी, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि उसकी शादी उसी से होगी जिससे वो प्यार करते हैं, यानी कि कुल मिला के उनका जो प्यार है वो विवाह में परिणित होगा, विवाह उनका होगा, यानी उनका प्रेम विवाह होगा जिससे वो प्यार करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है, अगर उस व्यक्ति का जिसके अंदर मैंने ये कंडीशन बताई, उस व्यक्ति का हाथ अगर सख्त है, यानी कि हाथ अगर लचीला नहीं है, पूरे जो पाम है उसकी लचीली नहीं है, थोड़ा सख्त सा हाथ लगता है, तो ऐसे लोगों का फिर विवाह नहीं हो पाता। प्यार तो होगा लेकिन उसके साथ विवाह नहीं होगा जिससे आप प्यार करते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली कंडीशन देखिए, अगली कंडीशन ये जो आपको दिख रही है उंगली, इसको हम बृहस्पति की उंगली बोलते हैं। अगर इस उंगली के टिप पर, यानी जो टॉप वाला पोर है, उसके ऊपर कोई तिल ना हो, जैसे यहाँ पे एक दिख रहा है एक तिल छोटा सा, लेकिन मैं क्या बोलूँ, इसके ऊपर कोई तिल ना हो, ये उंगली साइज में छोटी ना हो, जैसे यहाँ पे तो सामान्य उंगली दिख रही है आपको, लेकिन कोई किसी किसी की उंगली छोटी रहती है, तो एक तो उसका जो फर्स्ट पोर है उसके ऊपर टिप नहीं होना, ये इस टिप के ऊपर कोई क्या नहीं होना चाहिए, जो
तो क्या कंडीशन बन रही है कि अगर ये बृहस्पति की जो उंगली है इसके टॉप मोस्ट जो पार्ट है उसके ऊपर कोई तिल नहीं होना चाहिए, ये उंगली सामान्यतः छोटी नहीं होना चाहिए, जैसे अभी फिलहाल सही उंगली दिख रही है, लेकिन ये उंगली छोटी नहीं होना चाहिए। साथ ही ये जो पर्वत है, ये देखिए यहाँ पे ये पर्वत है, ये पर्वत उठा हुआ होना चाहिए, दबा हुआ नहीं होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए। यानी सारी नहीं वाली कंडीशन बताई मैंने। एक तो इस पर्वत पर, यानी जो बृहस्पति का पर्वत है, इस पर्वत के ऊपर कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये पर्वत दबा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा उभरा हुआ होना चाहिए। साथ ही ये उंगली जो है, यानी कि बृहस्पति की जो उंगली है, वो छोटी नहीं होना चाहिए, और साथ ही जो उसका टिप है, यानी कि टॉप मोस्ट पार्ट है, उसके ऊपर कोई तिल नहीं होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन है किसी के हाथ में, तो उसको उसी से विवाह होगा जिससे वो शादी, जिससे उसका, उस व्यक्ति का विवाह उसी से होगा जिससे वो प्यार करते हैं। और जिससे वो प्यार करते हैं वो इंसान भी अच्छा होगा। यानी कि अगर एक लड़का किसी लड़की से प्यार करते हैं जिसके अंदर ये कंडीशन है, तो सामने वाली लड़की बहुत ही अच्छी होगी, यानी सुशील जिसको हम बोलते हैं वैसी होगी। और कोई लड़की अगर किसी लड़के से प्यार करती है और उस लड़की के हाथ में ये कंडीशन है, तो उस वो लड़का जो है वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही साथ देने वाला होगा, बहुत ही समझने वाला होगा। ठीक है, तो ये चार कंडीशन, यानी कि इस ये मतलब इस फिंगर को, यानी इंडेक्स फिंगर जो है उसको छोटी नहीं होना चाहिए, ये इसका जो पर्वत है ये वाला, इसको दबा हुआ नहीं होना चाहिए, साथ में इसके ऊपर कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए, और इसके ये वाले पोर के ऊपर कोई तिल नहीं होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन है तो आपको आपका प्यार जरूर मिलेगा और उससे शादी भी आपकी होगी। अब मैं एक बात कुंडली की कर लेता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र मंगल युति है, यानी कि युति का मतलब शुक्र और मंगल साथ में बैठे हैं कहीं पर भी, या शनि और मंगल कहीं ना कहीं साथ में बैठे हैं, या शुक्र शनि कहीं ना कहीं साथ में बैठे, अगर ये तीनों कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में साथ में बैठे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि किन लोगों ने प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, किन लोगों ने प्यार के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। तो उसकी पहली कंडीशन है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल साथ में बैठे हैं, या शनि मंगल साथ में बैठे हैं, या शुक्र और शनि साथ में बैठे हैं, उनको प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात, अगर उनकी बृहस्पति की जो उंगली है, ये बृहस्पति की उंगली है, इसका झुकाव इधर की तरफ नहीं होना चाहिए। यानी देखो मेरा अभी देख रहे हो, तो आप इसकी उंगली जो ये वाली उंगली है, यानी बृहस्पति की उंगली, वो इधर की तरफ झुकी हुई है। अगर किसी की उंगली इस साइड थोड़ी थोड़ी सी मूव कर रही हो, तो ऐसे लोगों को भी कभी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी के बृहस्पति की उंगली पर कहीं पर तिल हो, यहाँ पर तिल हो, कहीं पर भी तिल हो, तो भी उनको कभी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी के मस्तिष्क रेखा, देखो यहाँ पे देख लिया आप, किसी के अगर किसी इंसान के मस्तिष्क रेखा, ये जो मस्तिष्क रेखा ये वाली, और ये है उसकी हृदय रेखा, ठीक है, इन हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में अगर गैप ज़्यादा है तो भी इन लोगों को प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जितना कम गैप होता है उतना ही आपको प्यार अच्छा मिलता है। जितना गैप कम होता है उतना ही आपको सच्चा प्यार मिलता है, इसलिए गैप ज़्यादा है तो आपको प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे लोग प्यार के चक्कर में पड़ेंगे तो बर्बादी के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है,
तो अभी मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको बताए जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि आपकी किस्मत में किसी का प्यार है कि नहीं, और प्यार है तो क्या वो उसको शादी में बदल सकता है कि नहीं, मतलब उसका प्रेम विवाह हो सकता है कि नहीं, किन लोगों को प्यार नहीं करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, इन सभी बातों को मैंने आपको बताया। लेकिन अभी भी अगर आप फिर भी चाहते हो कि आप जिससे प्यार करें उससे आपकी शादी हो, तो एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। अगर वो उपाय आपने किया तो हो सकता है भगवान की कृपा हुई तो आपकी शादी उस इंसान से ज़रूर होगी जिससे आप प्यार करते हैं। तो क्या है उपाय, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठकर जिस इंसान से आप प्यार करते हैं पहले उसका आपको ध्यान करना है, यानी उसके बारे में आपको सोचना है। फिर आप एक प्लेन पेपर लेंगे, प्लेन पेपर के ऊपर अनार की कलम से, अनार की कलम यानी अनार की कलम कैसे बनेगी, अनार की एक लकड़ी तोड़ी छोटी सी और लकड़ी को पेन टाइप का थोड़ा सा काट लीजिए, ऐसे पेन टाइप का बना लीजिए तो बन जाएगी वो कलम, ठीक है। अनार की कलम बनाई और अष्टगंध आता है, आपने देखा होगा अष्टगंध मिलता है आपको मार्केट में, तो अष्टगंध लीजिए, उसमें डुबा के यानी कि अष्टगंध को घोल लीजिए और उसको डुबा के आपको उस पेज के ऊपर आप जिसको चाहते हो उसका नाम आपको 51 टाइम उसके ऊपर, उस कागज़ जो आपने लिया है उस कागज़ के ऊपर 51 टाइम उसका नाम लिखना है जिसको आप चाहते हैं। आप चाहे लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, कोई भी ये उपाय को कर सकता है। तो उसको कितने 51 बार 51 टाइम उसको उसका नाम लिखना है, और साथ ही आपको सूर्य भगवान से प्रार्थना करना है कि हे सूर्य भगवान, जिसको मैं चाहता हूँ उससे मेरी शादी हो, इस प्रकार की आपको प्रार्थना करना है। और साथ ही आपको सूर्य देव का जो मंत्र है उसकी एक माला करना है। मंत्र कोई सा भी सूर्य भगवान का ले सकते हो, जैसे आप ओम घृणी सूर्या नमः का जाप भी कर सकते हो, तो ये मंत्र लेकर भी आप एक बार यानी कि एक माला उसकी करना है। तो ध्यान रखें आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के अपने जो प्रेमी है या प्रेमिका है उसको उसका ध्यान करना है, उसका नाम लेना अपने अंदर ही अंदर। फिर आपको एक सादा कागज़ यानी कि एक प्लेन पेपर लेना, उस प्लेन पेपर पे जो अनार की कलम बनाई है आपने, अनार की लकड़ी से जो पेन बनाया है, उस पेन को अष्टगंध घोल कर उसको डिप करके और 51 टाइम उस इंसान का नाम लेना है जिस इंसान से आप शादी करना चाहते हो, अगर आप उससे प्यार करते हो तो, ठीक है। इसके बाद आपको सूर्य भगवान से प्रार्थना करना है उस शादी के लिए, और साथ ही सूर्य भगवान की जो मंत्र है उसका 108 बार जाप करना है, यानी एक माला जाप करना है। लेकिन ध्यान रखें ये उपाय उन्हीं लोगों को करना है जो सच्चा प्यार करते हैं और जो अपने प्यार को पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी उसको उठा के करा यार मेरे को ये मेरे साथ नहीं आ रही तो चलो इसके लिए उपाय कर ले, वो कभी नहीं होगा ऐसा। जो इंसान सच्चा प्यार करता होगा उसी को ये उपाय करना है, और उसी को ये उपाय फलेगा, मतलब उसी को ये उपाय काम में आएगा, अदरवाइज़ ये उपाय काम में ही नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ज्योतिष मंच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।